हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में वैकेंसी को लेकर। हंसी क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई मुझे लगता है कि ये लोग जीरो लगाना भूल गए। क्यों? क्योंकि मेन बात क्या है कि हम लोग अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं, और जितना वैकेंसी आया है ना उतना मेरे सिर्फ सिकंदराबाद जोन में चाहिए। तो एक्चुअल मुझे लग रहा है कि ये लोग जीरो लगाना भूल गए हैं। तो हाँ, मैंने अभी रात भर जागा। कल रात में मैं आया था ड्यूटी से, रात में सोया और सुबह 6 बजे जगा हूँ। और अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2.5 घंटे तक मैं रिसर्च किया, बहुत सारा वीडियोस देखा, बहुत सारा साइट चेक किया। तो ऑफिशियल साइट पे अभी तक कहीं पे भी ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और ऐसा बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो कि प्रिंट होगा 20 तारीख को, उसका ऑथेंटिसिटी जो है वो अभी तक श्योर नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोग सारे 21 RRB को लेकर सिर्फ 5600 वैकेंसी बोल रहे हैं। 5600 या 5700 बोल लो, 57,000। तो क्या ये रियल है, क्या ये फेक है? ये मेरे हिसाब से पता चलने वाला है आप लोगों को। जो ये वाला वैकेंसी है तो इसको क्या क्या, इसमें क्या क्या है मेंशन? इसमें मेंशन है क्वालिफिकेशन। हर जगह नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ के देख चुके होंगे। तो मैं बस बोल रहा हूँ, ये जो 5600 सीट है इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? अगर इतना सीट आता है तो इतना सीट अगर आता है तुम कितना कट ऑफ जाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था है कि अगर सिर्फ इतना सीट है तो कट ऑफ कितना जाना चाहिए। तो देखो, मेरे टाइम पे 60,000 वैकेंसी था, तो उस टाइम मैं सिलेक्टेड हूं 72 नंबर के कट ऑफ पे, और उससे ये 10 गुना कम है। इतना सिर्फ सीट सिर्फ मुझे लगता है कि 12th वालों का था, और उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था 90-88 मिनिमम। तो एक मेरा कहना है कि अभी जो अगर इतना ही सीट रहता है, जो कि नहीं रहेगा मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, हम लोगों के टाइम भी ऐसे 26,000 सीट आया था। और जो लोग ज्यादा परेशान है कि सिर्फ 7,000 सीट आया, तो उसमें 7,000 और जोड़ो, क्योंकि पिछली बार भी हाफ हाफ करके आया था और हर बार हाफ हाफ करके आता है। तो अप्रॉक्स 14,000 सीट है अगर ALP टेक्नीशियन दोनों मिला दिया जाए। पिछली बार सिर्फ ALP का 29,000 के आसपास था, 30,000 के आसपास था, टेक्नीशियन का ऐसे ही कुछ था। तो अभी भी अगर वैकेंसी जोड़ते हो तो 14,000 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार सिर्फ ALP मेंशन है उसमें, तो टेक्नीशियन का क्या? तो इस बार मैंने देखा, कुछ नवीन सर भी प्लेटफॉर्म वाले बोल रहे थे कि ग्रुप डी वाले जो कि ITI पे सिलेक्टेड हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियस है, होगा भी। और ऐसा एक 2012 में भी हो चुका है कि टेक्नीशियन लेवल 2 का सीधा वैकेंसी आया था। वो लोग जो सिलेक्टेड है अभी वो 4600 ग्रेड पे भी जेई वही बन चुके होंगे। तो हो सकता है इस बार भी कुछ वैसा ही हो। तो अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा? मेरे हिसाब से समझ लो 85-80, मिनिमम 80 के ऊपर, 85 तो पकड़ के ही चलो। तो उसके लिए तैयारी कितना जबरदस्त होना चाहिए भाई? और ये रियल है या फेक, मेन सवाल। तो मैं जब तक कोई ऑफिशियल साइट पे अपलोड नहीं होता है तब तक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ CBT लिखा हुआ है भाई, 1, 2, 3 क्या, क्वालिफिकेशन ठीक है, सिलेबस क्या। तो ये पूरा न्यूज नहीं है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन बोलते हैं जो कि इंप्लीमेंट न्यूज में आता है। और इसका मैं 100% नहीं बोल सकता कि इतना ही वैकेंसी आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी जितने लोग पागल हो रखे हैं कि भाई इतना कम इतना कम, तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे ये चीज आने का वेट करो। मेरे हिसाब से जब तक ऑफिशियल नहीं आता, जब तक सीट क्लियर नहीं होता है किसी ऑफिशियल साइट पे, तो अभी पागल होने का जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल किसी भी साइट पे आता है मैं अभी चेक करता रहूंगा, मैं कहीं पर भी रहूं, भले ही 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो एक अपडेट करूंगा, लेकिन अपडेट कर दूंगा, टेंशन ना लो। और इसको मैं अभी 100% रियल मानकर नहीं चल रहा। लोग बोल रहे हैं कि इम्प्लॉयमेंट न्यूज है, कुछ ऐसा वीडियो भी मैंने देखा जो कि एक्चुअल इम्प्लॉयमेंट न्यूज का है। तो ठीक है, इसको 50-50 मान के चलते हैं। और अगर 50% भी चांस है कि ये रियल है, तो अपने को क्या क्या करना चाहिए? तो देखो, मेन चीज की सबसे पहला चीज कि अब एकदम तुमको जितना भी काम कर रहे थे, जितना भी पढ़ रहे थे ना, अब बूस्ट कर लो, क्योंकि अब एवरेज लोगों का अगर इतना सीट होगा तो उसमें जगह नहीं, क्योंकि हम लोग उस टाइम एवरेज लोग थे और हम लोगों का सिलेक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा था और मैं बहुत कम टाइम भी दिया था। और अगर आज से वैकेंसी आता है, 1 महीने बाद फॉर्म क्लोज होता है, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एग्जाम भी हो जाएगा, और इलेक्शन है तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा सिर्फ CBT 1 के लिए। CBT 2 के लिए तुमको टाइम नहीं मिलने वाला है, 100% लिख के ले लो। तो अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो सबसे पहला चीज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक से बेटर मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। तो हाँ, ये है, कुछ देख सकते हो। अब इसके बाद और बहुत सारे चीजें, जैसे जितना पढ़ रहे थे उसको डबल कर दो, सीधा डबल कर दो टाइम। और सिर्फ अगर तुमको ALP एक ड्रीम है कि ALP ही बनना है, तो उसके लिए
अब देखो बहुत सारा बुक्स तुमको पढ़ना पड़ेगा। एक एक बुक जो लूसेंट, सिर्फ लूसेंट से लोग पढ़ते थे और सोचते थे कि सिलेक्शन हो जाएगा, नो चांस इस बार, नो चांस। ट्रेड के लिए भी तुमको अलग से पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड में भी बहुत लोगों को छांटेगा इस बार, तुमको मेरिट बहुत हाई जाने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। तो टेक्स्ट बुक का लगाओ, उसमें वीक पॉइंट पे काम करो, हर चीज पे करो। और मेनली कि हाँ, कुछ कुछ बुक्स हैं जो कि तुमको फॉलो करना चाहिए, और मैथ और रीजनिंग को तो पक्का चाटो, पक्का पक्का 100%, समझ रहे हो। और जैसे पहली बार क्या था, 60,000 वैकेंसी था, उसमें से कुछ बहुत ज्यादा गुना सीबीटी 1 में सिलेक्ट हुए, तो अब सोचो मान लो सिर्फ 5700 या 5600 जो भी है, उसमें कितने गुना, बहुत कम सिलेक्ट होंगे सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 1 का भी कट ऑफ आई जाने वाला है, फाइनल मेरिट का बात छोड़ ही दो, समझ रहे हो। अभी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ, अगर अच्छे से समझोगे ना तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अभी कुछ दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आने दो, ट्विटर कैंपेन करेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा, और तुम लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा, और बड़ा बड़ा ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। और 100% मैं लिख के देता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना सीट नहीं आना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा आना चाहिए, वही जीरो लगाना भूल गए ये लोग। तो मेनली मेरे हिसाब से कि अभी पागल होने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल होने दो, उसके बाद ट्विटर कैंपेन वगैरह बहुत सारा चीज़ किया जाएगा और वैकेंसी इंक्रीज करवाया जाएगा। तो भाई बुक्स कौन कौन सा फॉलो करना है, तो देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से मैथ्स और रीजनिंग का है ना जो परफेक्ट बुक है, परफेक्ट, वो है किरण पब्लिकेशन का, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मैं वही पढ़ा हूँ और उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैथ्स उसी से इतना तगड़ा हुआ। क्यों बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ है ना कि प्रैक्टिस कितना तुम कर पाते हो, तो इसका एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि यार 10,000 तो क्वेश्चंस है, अगर तुम एक चैप्टर से देखोगे ना, एक चैप्टर से भी, एक टाइप से 171 क्वेश्चन दिया हो, तो मैथ के लिए तो मैं इसी को बोलूंगा, क्योंकि इसमें टाइप वाइज है, मतलब इसमें प्रैक्टिस मेन क्या होता है, प्रैक्टिस। तो बहुत सारा जैसे और यूज वूज का बुक है जो कि मैं बोलूंगा, तो उसमें क्या किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ ना, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया हुआ, भाई बच्चा प्रैक्टिस कैसे करेगा, पागल पागल हो, ठीक करो उसको। दूसरा रीजनिंग के लिए भी सेम बुक, क्योंकि उसमें सेम प्रोसेस है, बहुत तगड़ा है ये, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, और मैथ और रीजनिंग के लिए मैं सिर्फ बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और अब एक चीज़ की सही अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि कैसा पूछता है क्वेश्चन, क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, क्या एक्स्ट्रा है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला बुक खान सर द्वारा, 27,000 तो वन लाइनर फैक्ट्स है इसमें, और सब फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स है वो सब इस तरह से दिया हुआ है, जो जो आया हुआ है, ये देखो आया हुआ क्वेश्चंस। तो एएलपी के लिए इसमें से जो भी साइंस वाला है, जैसे कि अभी मैं खोलता हूं, तो इसमें देखो ऐसे साइंस पोर्शन अलग किया हुआ है, साइंस क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब अलग किया हुआ है, तो इसको लो उठाओ और सबको अलग अलग एक जगह पे लिखो, नोट्स बनाओ। अब मैं एक अपना मेन स्पेशलिटी बताता हूँ कि देखो जब भी पढ़ो ना कुछ उसमें से नोट किया करो, क्योंकि लिखा हुआ बोलते हैं कि लोग माइंड में 70% जाता है, पढ़ा हुआ 30% जाता है, तो इसलिए लिखो। इसमें से भी मैं बोल रहा हूँ, इस बुक से जो भी साइंस का पोर्शन है एक जगह करके इसको नोट्स बनाओ, और देखो वो रामबाण इलाज होने वाला है तुम्हारे लिए, साइंस के लिए। तो मेरा ये वाला तरीका फॉलो करो, थैंक यू, बाद में बोल देना, ठीक है। और लास्टली एक और एक अपने तरफ से बुक बताता हूँ मैं, क्राउन का, इसको देखो पेंसिल डला हुआ है, मैं इसको अभी भी पढ़ता हूँ इसको अभी भी पढ़ता हूँ। पहले ऐसा लूसेंट का हैंडबुक आता था, लेकिन अभी लूसेंट बुक में चेंज हो गया। तो हैंडबुक लो, जहाँ जा रहे हो बैग में डालो, जहाँ बैठ रहे हो वहाँ इसको निकालो और पढ़ो। और किस तरह से पढ़ना है देखो, मैं इसको अभी भी पढ़ता हूँ, तो इस तरह से मैं हाईलाइट करके चीज़ें पढ़ता हूँ। तो ये मैं अपने तरफ से एक हैंडबुक बता रहा हूँ तुमको, और आपके लिए मतलब जो भी एएलपी के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, तो इसका सिर्फ साइंस पोर्शन पढ़ना, मैं अभी जीके के लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा साइंस अच्छे से प्रिपेयर्ड है। और इसमें से भी जो भी हाईलाइट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको लिखो, लिखने से बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बैठता है। देखो मैं बुक पे पेंसिल चलाता हूँ, फिर उसके बाद पेन चलाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो ये एक हैंडबुक है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा मैं जैसे अभी मैं पिछली बार बोला यूथ का, यूथ में का भी प्रीवियस ईयर है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन है उसके नीचे आंसर दे, बच्चा प्रैक्टिस कैसे करेगा, भाई बच्चा प्रैक्टिस कैसे करेगा। और इसमें एक चीज कि आपका इसमें ट्रेड का भी प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो अभी ट्रेड को मेरे हिसाब से उतना सीरियस मत लेना, लेकिन फिर भी ना अंदाजा लगाना चाहते हो कि मेरा कितना प्रिपेयर्ड है ट्रेड, अगर मुझे अभी से पढ़ना चाहिए आगे चल के पढ़ना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि अभी देखो प्रैक्टिस सेट। और मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर ट्रेड का भी किसी भी बुक में अवेलेबल है, तो ये वाला बुक मेरे पास आया है और काफी अच्छा है।
समझ रहे हो इसमें क्या है कि शिफ्ट 1 2 3 का हर डेट का मतलब 50-60 प्रैक्टिस सेट तुमको शिफ्ट 1 2 और ट्रेड के आराम से मिलेंगे। कितना है इसमें, 56 है देखो। तो अभी तो मैं बोलूंगा कि अब 100% लग जाओ, ट्विटर कैंपेन वगैरह हर चीज किया जाएगा, लेकिन अभी ऑफिशियल ऑथेंटिक साइट पे आने दो। ये इम्प्लॉयमेंट न्यूज है, ऐसे ही आया था आरपीएफ का भी, जो कि अभी तक क्लियरिफाई नहीं हो पाया है। तो मैं एक चीज क्लियर बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी 50 नहीं यार, 30% ही मानो इसको, कि इतना ही सीट आएगा, सीट बढ़ेगा। और अगर सीट इतना आ भी जाता है ना, कैंपेन वगैरह करके बढ़वाया जाएगा भाई, बढ़वाया जाएगा। मेरा तो पावर उतना नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके बहुत सारे बच्चों से कॉन्टेक्ट है, और तुम लोग भी अगर मेरे कॉन्टेक्ट में रहना चाहते हो, क्योंकि सिलेक्टेड बंदा बहुत अच्छे से जानकारी दे सकता है, जानकारी नहीं मतलब ट्रिक टिप्स बता सकता है। और जैसे जैसे अब आएगा ना एग्जाम, वैसे वैसे मैं हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा चीज़ें सोच के, यार मैं बैठा रहता हूँ ना कहीं पे, वहाँ पे लिखता हूँ, अगर कोई अच्छा चीज़ माइंड में आ जाता है तुम लोगों को बताने लायक, तो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो इस पे लाइक और सब्सक्राइब तो चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो। और हाँ, बुक्स एक मैं प्रॉपर एक तरह से मैं बुक बताया हूँ इसमें, लेकिन एक और अब अपडेटेड बुक्स का मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, बनाऊँगा, और उसमें अच्छे से सारे बुक्स, जैसे लूसेंट का कुछ अच्छा चीज़ है वो बताऊँगा। लूसेंट का मेरे पास माइंड में दो चीज़ें हैं, दो बुक का क्राउन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा डिटेल्ड, तो वो सिर्फ एक बुक का वीडियो होने वाला है। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अभी इसको यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। हाँ, ट्विटर कैंपेन वगैरह किया जाएगा, और अभी ऑफिशियल मत मानो, ठीक है।